बीकानेर में कोरोना के साथ साथ लोगों को कोविड वैक्सीन के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर बीकानेर में जिला कलेक्ट्रेट से मंगल टीका जागरूकता रथ को रवाना किया गया। ये 8 रथ शहर में जाकर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव और वैक्सीनेशन के फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इन रथ को जिला कलेक्ट्रेट नमित मेहता और SDM मीनू वर्मा ने रवाना किया। इन रथों के जरिए लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर आगे आने के लिए जागरूक किया जाएगा। आज 6 रथ हमने रवाना किए हैं, जागरूकता के पब्लिक में जागरूकता अवेयरनेस के लिए आरंभ किए हैं। वो इसलिए आरंभ किए गए हैं कि पब्लिक को पता लगे कि हमने वैक्सीनेशन 60 प्लस के ऊपर जितने हैं या 45 से लेकर के जो 60 साल की उम्र के हैं उनके लिए हमने खोल दिया है। और वो जाकर के अगर 45 से 60 वाले कोई कोमॉर्बिड हैं तो नियर बाई हमारे जितने इंस्टीट्यूट हैं, सभी हमारी जितनी PHCs, CHCs हैं और सरकारी डिस्पेंसरी, उनमें हमने चालू कर दिया, ये सब जाके टीकाकरण करा सकते हैं। 6 हैं, 3 शहर में घूमेंगे, 3 शहर के बाहर घूमेंगे। वहीं बीकानेर के CMHO ने बताया कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहना जरूरी है और सावधानी भी बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ये रथ वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को आगे आने की अपील की जाएगी। देखिए, जैसा आपको विदित है कि कोरोना का टीका अभी चल रहा है और सभी 60 वर्ष से ऊपर के जो हमारे समाज के व्यक्ति है वो निःशुल्क सरकारी फैसिलिटी पर जाके अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। तो उसकी एक जागरूकता लोगों में आए और लोगों को पता लगे कि कहाँ कहाँ पर टीका लग रहा है और क्या क्या उसके प्रावधान है, उसके लिए ये जागरूकता रथ आज चलाए गए। तो ये यहाँ पर भी चला पूरे बीकानेर शहर में और जो हमारे जितनी अर्बन एरियाज़ है, तो चाहे डूंगरगढ़, नोखा, देशनोक, वहाँ पर भी रथ आज चलाए आज शुरू होंगे और ये अगले कुछ दिनों तक पूरे शहरों के अंदर और सारे हमारे शहरी क्षेत्रों को कवर करेंगे और लोगों तक इस बात को पहुँचाएंगे कि एक तो आप टीका लगवाएं और कहाँ का टीका लग सकता है और टीका लगवाना क्यों आवश्यक है। बहरहाल, कोरोना को हराने के लिए देश में दूसरे चरण में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई आशंकाएं बनी हुई है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और इसी तर्ज पर बीकानेर में रथों को रवाना किया गया है ताकि टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता फैले और लोग टीका लगाने के लिए आगे आएं। पंजाब के सिटी टीवी राजस्थान के लिए बीकानेर से आनंद प्रताप चारे की रिपोर्ट।